हे गाइस, वेलकम टू माधुरीज किचन। आज की रेसिपी है खमंग ढोकला। गाइस, ये रेसिपी बहुत इजी एंड क्विक है। खमंग ढोकला बहुत सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। आप ये रेसिपी पूरी देखें, मैं गारंटी से बोलती हूँ आप इस ढोकले को बार बार बनाओगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया है। बेसन मेरा 2 कप है। बेसन बाउल में डालने के बाद नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे नमक। नमक यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। नमक डालने के बाद यहाँ पर हम लोग 1/2 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे। फिर इसके बाद 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी डालेंगे। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमने जो भी इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो। इसके बाद हम यहाँ पर 1 गिलास मैंने पानी लिया है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डालना है ताकि हम एक प्रॉपर बैटर ढोकले का बना सकें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरा पानी थोड़ा बच चुका है। अभी बैटर प्रॉपरली करेक्ट ऐसा ही आपको दिखना चाहिए। अभी बैटर पे हम एक ढक्कन रखेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हमें साइड में रखना है। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। अभी हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद अभी हमने जो बैटर साइड में रखा था ढोकले का, वो 10 मिनट उसके पूरे हो चुके हैं। प्लेट को हम हटा देंगे। अभी हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। 1 पैकेट आपको पूरा इनो फ्रूट सॉल्ट डालना है। फिर इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो फ्रूट सॉल्ट है वो हमारे ढोकले के बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ढोकले का बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसे एक ग्रीस, जिसको हमने ग्रीस किया था पैन को, उसमें ये ढोकले का बैटर पूरा डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इडली का बर्तन लिया है जिसमें 2 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। अभी हम एक स्टैंड रखकर यहाँ पर ढोकले का बैटर रख देना है। अभी हम इसे ऊपर से कवर करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 20 मिनट्स तक पकाना है। अब हम बनाएंगे ढोकले का सिरप। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद यहाँ पर हमें तेल डालना है। तेल डालने के बाद हम इसमें राई डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद हम 2 मिर्ची डालेंगे बीच में से कट करके। फिर इसके बाद हम कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद यहाँ पर हमें 1/2 कप पानी डालना है। इसके बाद हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच शक्कर। शक्कर डालने के बाद हम इसमें धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद हमें 1/2 नींबू को अच्छे से निचोड़ना है। चम्मच से हम ढोकले के सिरप को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। 20 मिनट के बाद आपको ढोकले के स्टैंड को साइड में रखना है। इसमें से हम ढोकले के बैटर को साइड में निकालेंगे। इसको हम ढोकले के बैटर में डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा ढोकला अच्छे से पक चुका है। अभी इस ढोकले को हमें क्या करना है, एक परात में रखना है, एक प्लेट में रखना है। तो इसे हम उल्टा करेंगे और पीछे से टैप टैप करेंगे ताकि जो हमारा ढोकला है वो अच्छे से प्लेट में आ जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे ढोकले को बहुत अच्छे से जाली आई है और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। पीसेस बनाने के बाद हम इसमें जो ढोकला का सिरप हमने बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। सिरप डालने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो, हमारा ढोकला बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और ये बहुत सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो माधुरी किचन को सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ पर 1 पीस उठा लिया है और मैंने इसे खा लिया है। खाने के बाद मैं आपको बोल सकती हूँ कि यह बहुत टेस्टी बना है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें।